नेहा मुबारक हो। अभी मैं बहुत कुछ बोलने वाली थी पर अब मैं चुप कर जा। बोलो यार ये शो बोलने का। नेहा बोलो प्लीज, जितना आप बोलोगे उतना हमारा काम कम होगा, बोलो ना। आप जानती हैं बस खाली फिल्टर लगा के, नेहा विद नो फिल्टर नहीं। नहीं नहीं। और अगर हम ज्यादा बोलेंगे आप कब बोलेंगे तो चेक देंगे, चेक सर जी क्या बात कर रहे हैं। नहीं ऐसा तो नहीं होगा। I tip my hat off to every parent, every working parent, every stay-at-home parent. Neha, you know your earring is hitting that mic cut this thing. So the sound dada just came and he was just like he shoved it up my nostril. कुछ नहीं इनको ये है कि आप निकाल दें और फिर ये पहन लें और कुछ नहीं। अरे वो मेरे डायमंड पहने हुए हैं। ये तो स्पॉन्सर के हैं एपिसोड के बाद वापस। At least now I know they're going to keep my lines. मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला इनको मेरी लाइनों की इतनी चिंता तो मतलब मेरी लाइनें रखेंगे। 3 घंटे बातें करके फिर 4 मिनट के लिए हम दिखेंगे फिर शो पे। नहीं क्यों, ये क्या बात है, ये क्या अभी तो कुछ भी बोलता हूँ, अभी तो ये वाला शॉट नहीं लेंगे, ऐसे मत बोलो दादा। आई नहीं, आपका कुछ हो नहीं सकता, क्या करेंगे इसका आप, दूसरे क्या कर रहे हो। क्या कैसा तेरा कोविड, ठीक है अभी? उसी समय नेहा ने पानी कर दिया। नहीं पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेट्स गो। कुछ भी अगर यामी या फिर अतुल जी ने कुछ भी कहा ना मैं रो दूंगी। क्यों? बस क्योंकि मैं इतनी जो से था नरम दिल वाली इंसान हूँ। नरम दिल का जेस्चर देखा मैंने। तो मैंने बड़ी बात देखा फिल्मों में, जो भी चाहे सलमान खान हो या अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, जो भी पुलिस वाले के रोल करते हैं ना, वो पुलिस वाले की प्रॉपर वर्दी पहनते हैं। इन्होंने नहीं कोई वर्दी पहनी, जितना मैंने ट्रेलर देखा, अभी मूवी में देखूंगा। तो आपने क्या बोला था डायरेक्टर को, कोई भी रोल दे दो मेरे को, कपड़े डिजाइनर चाहिए, ऐसा? नहीं नहीं ऐसा नहीं था। जब मुझे हायर किया गया था फिल्म के लिए तो वो नवंबर ऑफ, मैं एग्जैक्ट आपको डेट्स बताती हूँ, जब मैंने शूट पहला दिन किया था उस दिन मैंने वर्दी पहनी हुई थी। इट वाज नवंबर 2020। देखा यामी को याद है, बादाम खाने चाहिए मुझे। और जब मैं शूट करने गई क्योंकि सेकंड वेव आ गई, इट वाज अगस्त ऑफ 2021। बाय देन आई वाज 8 मंथ्स प्रेग्नेंट, तो मुझे वो वर्दी फिट नहीं आई। ओके तो फिर हमें बदलनी पड़ी, तो उसके बाद हमने कुछ और पहना ऐसा कि। पर आप बहुत अच्छी लग रही थी। नेहा ने पर्सनैलिटी अपनी ऐसे बना रखी है ना, उसको देख के लगता है सामने वाले का कॉलर पकड़ लेगी, एकदम कड़क टाइप पर्सनैलिटी है। ऐसे ऐसे आप मेरा, मैं यहाँ आती हूँ एक मिनट। नहीं ये मैं, ये इन्होंने बोला कि ये किसी का कॉलर पकड़ ले, ये सारी ऑडियंस बस ओह क्या होता है ये। एक पर्टिकुलर शो की बात कर रहा हूँ, उसमें डांटती बहुत है। अच्छा। वो इनका रोल भी वैसा ही है, पर असल में तो वैसी नहीं, बड़ी प्यारी है नेहा। वो कोई बात नहीं, वो शो में हमारी जगह सोनू सूद ने ले ली है तो ठीक है। उन्होंने जगह नहीं ली है, खुद ही आप इतनी बिजी हैं और साथ में यार 2 बच्चों के साथ काम भी कर रही है, मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम होता है। हैट्स ऑफ टू यू। पर नेहा कैसे मैनेज करती हो आप सीरियसली? कपिल बहुत मुश्किल होता है, आई मीन आपके यहाँ घर में भी 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे जब होते हैं ना तो और भी मुश्किल होता है। बट आई टिप माई हैट ऑफ टू एवरी पेरेंट, वर्किंग पेरेंट, स्टे एट होम पेरेंट, मतलब आई मीन ऑल ऑफ अस, सब जो टीवी पे भी देख रहे हैं सबको मालूम है बहुत मुश्किल है, पर बहुत ही प्यारी फीलिंग होती है जब आप घर जाओ। पर अंगद को भी काफ़ी क्रेडिट देना पड़ता है मुझे, बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। या बिल्कुल, जितना वो घर से बाहर रहते उतना आसान होता है क्या? नहीं नहीं, बट ही ऑल्सो फिल्स इन अ लॉट। बट आई हैव टू से थर्सडे पे मेरे बेटे का तो डेब्यू हो ही चुका है। हैं? हाँ कैसे? I was 8 months pregnant जब मैंने शूट किया। ओके। वाह, वो बड़ा होएगा तो वो बोलेगा मैं तो देर को पैदा होने से पहले ही फिल्मों में आ रहा हूँ। यामी आपने एक्ट्रेस बनने के बाद कभी ऐसे ठेले पे पानी पूरी खाई है? खरी होके? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हम तो गोलगप्पे बोलते हैं, खुल के बोलते हैं गोलगप्पे, गोलगप्पे और चने वने डाल के आलू और वो सब बिल्कुल खाया है। मुझे चाट का बहुत शौक है तो चंडीगढ़ में अभी भी जब मैं जाती हूँ वहाँ पे एक मार्केट है, स्पेशली जो बेस्ट भेलपूरी वाले भैया वो अभी भी उस एक ही फिक्स पेड़ है वो उसके नीचे बैठते हैं और वो आई थिंक वो बेस्ट पानी पूरी बनाते हैं। पेड़ तो फिक्स नहीं होगा, पेड़ के नीचे। तो सच में पेड़ के नीचे वाला भेलपूरी वाला भैया और आइसक्रीम बेस्ट खाई है मैंने, उनका नाम है
पलटा भैया, पलटा भैया की जो आइसक्रीम है वो बिल्कुल उस वो जो मेटल का नहीं होता था पहले वो ड्रम, और उसमें वो गमी वो चेरीज डाल के वो सब पुराना वाली ओल्ड स्कूल ऐसी आइसक्रीम मैंने लाइफ में नहीं खाई है। तो पलटा भैया एंड गोलगप्पा भैया पेड़ के नीचे। आप तीनों से सवाल है, कभी आपका कोई रिश्तेदार अपने बच्चे आपके घर छोड़ गया हो या पड़ोसी छोड़ गया हो कि हम बाजार जा रहे हैं थोड़ा ध्यान रखना, आप लेते हैं जिम्मेदारी ऐसी? सब चुप है। देखो हमने शो शुरू किया था 25 एपिसोड के लिए, आज हो गए 9 साल, तो हमें भी जितना सूझता है हम अपने हिसाब से बनाते हैं। फर्स्ट टाइम पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ है कि पार्टी पर दोनों गए हों बच्चे के साथ और पार्टी से वापस आ गए बच्चा वहीं छोड़ नहीं, नहीं, ऐसा तो हुआ है। सुनाइए आप, बोलो ना मेरी स्टोरी, आप बताओ ना। हमारे साथ उल्टा हो गया था, तो मेरे फादर जो है बहुत पंचुअल है, कहीं भी जाना हो जल्दी करो, एवरीबडी रेडी ऑन टाइम। तो मतलब उस टाइम आई थिंक मैं हाई स्कूल में होंगी, तो हम सब रेडी हो गए, हमने कहा चलो पापा अभी आए हैं, इससे पहले वो बोले जल्दी करो तैयार नहीं हुए ये वो, कुछ फैमिली फ्रेंड्स भी थे, हम सब हो गए बाहर निकल गए, ताला वाला लगा दिया, वो पापा को हमने अंदर बंद कर दिया। तो मुझे खिलौना फिल्म का एक वो व्हाट अ ग्रेट फिल्म एंड व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस, बट वो होता है ना वो जो जाली के पास ऐसे तो सेलफोन नहीं था उस टाइम, ऐसे कर रहे थे कि मुझे बंद करके चले गए तुम लोग। तीन चीजें जिससे पीठ खुजा सकते हो। एक ही चीज है। क्या दिखती नहीं है पीछे? मैं सामने देख रहा हूं, कौन खुजा रही है मुझे नहीं मालूम। तो हमने तीन पूछे, एक है दो या तीन है मुझे नहीं मालूम। अतुल सर मतलब आपने पूरा सरप्राइज कर दिया है मुझे, मेरी जो आत्मा है वो बिल्कुल एक 360 डिग्री टर्न ले चुकी है। आगे जो कौन से शो में बैठे हैं हम, वरना मैं हमेशा ऐसा होता नहीं हूँ। तीन चीजें हाँ जो ये शो बना देता है लोगों को, आपके लिए सवाल है। खुश जी, फनी जी, इंजॉय। एक ही बात होगी तीनों, बस देखिए सर संगति का असर है। अच्छा नेहा का ना एक शो आता है नो फिल्टर विद नेहा, जिसमें ये टेलीफोन पे सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू करती हैं। ये आइडिया हमारे आया नहीं, हम खामखा सेट लगा के पैसे लगा के बैठे, ये घर पे बैठे इंटरव्यू कर लेती, वो भी घर पे बैठे, चाहे बाथरूम बैठे हो चाहे कार में बैठे हो। नेहा कभी आपके साथ ऐसा हुआ किसी का इंटरव्यू ले रही हूँ पीछे अजीब सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा हो? एक बार घर की घंटी बजी और मैं बिल्कुल वहीं पे कैमरा लगाया हुआ था, और अभी भी मुझे याद है मैं कपिल देव का इंटरव्यू ले रही थी। अच्छा। एंड सडनली अंगद ना दरवाजे के पीछे से आया, मैंने बोला तो वो झुक झुक के गया, एंड ऑब्वियसली देयर फैमिली फ्रेंड्स, सो अंगद ने कपिल देव की आवाज़ सुनी, लाइक ओ कपिल अंकल, वो सीधा खड़ा हो गया इंटरव्यू के बीच में। लाइक ये क्या हो रहा है? पर बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार प्रेशर कुकर की आवाज़ चढ़ती है तो साउंड प्रॉब्लम, मतलब ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे घर में, कभी कोई कुरियर वाला आ जाएगा, तो कभी पीछे से पालक निकल रही होती है क्योंकि वो लंच बनाना होता है, तो सब कुछ ही चल रहा होता है। क्या कर रही थी नेहा ये आप फोटो में? मैं एक्चुअली पोज करने की कोशिश कर रही थी, मैं देखती हूँ मैं कितना जंप कर सकती हूँ। ये रोडीज की शूट पे हुआ था, वहाँ पे जब भी कोई कैमरा लेके शूट करने की कोशिश करता है वो सारे लड़के ना इतना ऊंचा कूदते हैं, तो मैंने बोला मैं भी इनकी तरह कुछ करने की कोशिश करती हूँ। एक्चुअली इस दिन पे इसी जगह पे दिस इज ऑन द सेट्स ऑफ रोडीज, जब वो 14 महीने की थी वो चलने लगी थी। एंड आई वॉज जस्ट सिटिंग देयर वॉचिंग, आई वॉज रियली एक्साइटेड एंड आई वॉज लाइक आई वांट टू डू माई एक्साइटेड डांस, मैं उसी दिन वो चली थी ऑन दैट कॉरिडोर इन फ्रंट ऑफ दिस। आगे तो ये अगर दादा है तो पिताजी कौन है नींबू के? वो शायद बड़ा नींबू, इससे बड़ा नींबू, छोटे हाँ। नींबू से बड़ा नींबू, और ये सबसे बड़ा दादाजी। किस बात की इतनी हंसी आई? जेन्युइन बात है ये। ये नींबू के ग्रैंड डैडी कैसे हुए? ये क्या पेड़ पे खास रहे थे?